वेलकम बैक। पीएम मोदी अपने नेताओं को लाख समझा लें, लेकिन शायद वो सुधरने वाले नहीं हैं। बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर एक विवादित बयान दे डाला। साध्वी ने हिंदुओं को फिल्म स्टार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का बॉयकॉट करने को कहा है और उनकी फिल्में देखने के लिए मना किया है। साध्वी ने यह बयान देहरादून में विश्व हिंदू परिषद की सभा में दिया। गवर्नमेंट विल एंश्योर दैट देयर इज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ फेथ and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without coercion। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को बार बार समझाते हैं, बार बार कहते हैं विवादों से दूर रहें, लेकिन मोदी के नेता हैं कि मानते नहीं। एक बार फिर बीजेपी नेताओं ने विवादित बयान दिया है। साध्वी प्राची से लेकर योगी आदित्यनाथ अपने अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार साध्वी प्राची के निशाने पर फिल्म स्टार सलमान, शाहरुख और आमिर खान हैं। साध्वी ने कहा कि हिंदुओं को खान की फिल्में नहीं देखनी चाहिए। क्या बनना चाहता? बोले शाहरुख खान, सलमान खान क्यों बनना चाहता? बोले वो इतनी अच्छा स्टंट लेता है। मैंने कहा मेरे बेटा केवल स्टंट लेता इसलिए शाहरुख खान, ये सारे के सारे खानों ने हमारी दीवारों को लपेट रखा। साध्वी प्राची इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने हिंदुओं से सलमान, शाहरुख और आमिर के दीवारों पर लगे पोस्टर्स हटाने की भी अपील की और कहा कि ये खान लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू संगठन इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगी बजरंगियों, जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सबको उतार करके उनकी होली जला दो। और तो और साध्वी प्राची ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को भी भारतीय लड़की से शादी कर सेटल होने की सलाह दी। पहली बार नहीं है जब साध्वी ने विवादित बयान दिया हो। कुछ दिन पहले उन्होंने हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने और 5 बच्चे वाले परिवारों को सम्मानित करने की बात कही थी। मीडिया भी कहती साध्वी जी आपने 4 बच्चों का बयान देकर के बवाल मचा दिया। निवेदन करना चाहती हूँ, अगर जनसभा में किसी के 5, 6, 8, 10 बच्चे हैं तो वह मंच के पास आ जाए, कार्यक्रम के बाद मैंने उन्हें सम्मानित करना है। हालांकि बीजेपी ने साध्वी प्राची के बयान से किनारा कर लिया है। पीएम मोदी अपने नेताओं को मर्यादा न लांघने की सलाह दे चुके हैं। संसद में सभी धर्मों को स्वीकार करने और सम्मान करने की बात कर चुके हैं, लेकिन साध्वी प्राची के नए बयान से सवाल ये उठ रहे हैं कि वीएचपी की इस बेलगाम नेता पर लगाम कौन लगाएगा।